बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस किताब उनसे बाबर हयात शो। कहां जाके टूटा है हमारा दिल व्यूअर्स, आज बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रोकन इस वक्त नतीजा सामने आया है पाकिस्तान के करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए और बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। और ये झटका पाकिस्तान के अपने मैच से नहीं आया बल्कि ये अपने हमसाए हमें धोखा दे गए, हाय हमें धोखा दे गए। और पाकिस्तान की टीम पोटेंशियली T20 वर्ल्ड कप से अगर आप कहें कि आउट हो गई है अब, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पूरी तरह क्या आउट हुई है या नहीं आउट हुई, टेक्निकली आउट हुई है या नहीं आउट हुई, उस पर हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि कुछ चांसेस ऑब्वियसली हैं पाकिस्तान के अभी भी, लेकिन वो चांसेस अब ना होने के बराबर बहुत मुश्किल हो गए हैं पाकिस्तान के लिए। पोटेंशियली यू कैन से दैट पाकिस्तान जो है वो आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप हो गया। इस मैच में हुआ क्या है, ये मैच कैसे खेला गया है और खास तौर पर इंडिया ने जिस तरह से यह मैच खेला है, देखिए हमारे लिए तो ऑब्वियसली हम तो हारे हुए हैं, हम तो टूटे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया यह मैच खेला है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्या ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में जीतने की सलाहियत रखता है, एक बड़े मैच को, एक नॉकआउट मैच को जीतने की ये इंडियन टीम सलाहियत रखती है, ये इंडियन बैटिंग, इसका टॉप ऑर्डर, खास तौर पर जो इंडिया का कप्तान है रोहित शर्मा, क्या वो वाकई इस काबिल है कि वो अपनी टीम को लीड कर सकता है क्रंच सिचुएशन में। और ये मैच हारने के बाद बाय द वे इंडिया ने भी अपने लिए सिचुएशन काफी मुश्किल बना ली है, क्योंकि इंडिया के लिए अब हर मैच जो है वो बहुत जरूरी हो गया। इंडिया के मैचेस मैं मानता हूं हल्के हैं, लेकिन इतने भी हल्के नहीं है कि उन मैचेस में कोई अपसेट नहीं हो सकता। सो Things are still quite interesting. अगर वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इंडिया हमें ले डूबा है और बाद में पता चले कि इंडिया खुद भी डूब सकता है। यहां पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मौसम आ सकता है, बारिश आ सकती है, कुदरत का कानून है, सुबह होती है, शाम होती है, कुछ भी हो सकता है जनाब। इवन जनूबी अफ्रीका भी अभी 100% पहुंचा नहीं है जनाब, और जनूबी अफ्रीका जो है उसके साथ भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब एक और जो है ना वो बड़ा ही क्लोज फिनिश हुआ है ये मैच, अगर मैच के हिसाब से देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जिससे लुत्फ आया, मजा आया। सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने जो स्टार्ट किया और जो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग उन्होंने की और जिस तरह से सारी इंपॉर्टेंट शुरू की तीनों विकेटें उन्होंने हासिल की और भारतीय टीम को एक बार बिल्कुल नीचे लगा दिया। और उसके बाद फिर सूर्या कुमार यादव ने जो आज इनिंग्स खेली है वो इस टफ कंडीशन में एक हार्ड और तेज पिच के ऊपर हाई जंप जिसमें मतलब बॉल जो है वो बहुत ज्यादा बाउंस उसको मिल रहा था, उस पिच के ऊपर टफ कंडीशंस में आज उसने जो एक इनिंग्स खेली है, उसने बताया है कि वो ऑब्वियसली इंडिया का बहुत बड़ा रोशन सितारा है, वो इंडिया का फ्यूचर है और वो एक बड़े दिल वाला खिलाड़ी है। सो क्रेडिट गोज टू हिम टू मेक इट अ बिट ऑफ अ मैच। मतलब उसकी इनिंग्स को अगर आप निकाल दें तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो 100 भी नहीं कर पा रहा था। और शुरू शुरू में मैं तो घबरा गया था कि कहीं आज जो है वो नेदरलैंड की टीम वाला सिचुएशन तो नहीं होने जा रही कि नेदरलैंड अंडर ही रह गई इस मैच में, तो कहीं इंडिया भी अंडर ना रह जाए। देखिए आई थिंक इंडिया हैव मेड अ बिग मिस्टेक और इंडियन कैप्टन हैज मेड अ बिग मिस्टेक बाय विनिंग द टॉस एंड इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट। ऐसी पिच के ऊपर इतनी खतरनाक बॉलिंग के सामने अगर आप पहले बैटिंग का फैसला करते हैं तो आई थिंक सो कि ये ठीक नहीं है। आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी ताकि आपको पता चले कि इस पिच के ऊपर मतलब कितना स्कोर है जो आपको चेज करना है, अदरवाइज आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये जो पिच है इसके ऊपर आप कितना स्कोर करने जा रहे हैं, कितना स्कोर आपको करना चाहिए जो आप डिफेंड कर सकते हैं।
देखिए मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि बाबर भाई इंडिया जानबूझ के हार गया। नहीं यार नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंडिया ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, और बाय द वे इंडिया के दो मैचेस हैं, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ है, एक बांग्लादेश के खिलाफ है। एक मैच में भी अपसेट हो गया ना, मतलब बांग्लादेश कैन डू इट, बांग्लादेश कैन चेंज द थिंग्स। और अगर बांग्लादेश ने एक मैच में भी कुछ कर दिया और भारत को शिकस्त दे दी, तो देखिए भारत की भी जो सब कुछ है ना वो गले में आ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इस वक्त इंडिया के भी 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं, 3 मैचेस इंडिया ने खेल लिए, अब 2 मैचेस हैं। इंडिया को मिनिमम 8 पॉइंट्स तो चाहिए आराम से जाने के लिए। अगर एक मैच भी मिस हो जाता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, एक मैच हार गया इंडिया खुदा ना खास्ता बांग्लादेश से, मैं ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बांग्लादेश को आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो इंडिया को हरा ही नहीं सकती, आप कसम उठा लेंगे उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और T20 क्रिकेट में तो वाकई कुछ भी हो सकता है। सो एक खिलाड़ी, एक बॉलर, एक बल्लेबाज गेम का पासा पलट सकता है। सो 2 मैचेस में से दोनों जीतने हैं अगर आसानी से इंडिया को जाना। इवन जिम्बाब्वे कैन डू अ वंडर, जिम्बाब्वे भी कर सकता है। और आपको एक मैं बात बताऊं, पोटेंशियली इस वक्त सारी टीमें जो मतलब टेक्निकली इस वक्त जो है सिवाय नेदरलैंड के, बाकी सारी टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। ये अगली वीडियो में मैं जाके आपको पूरा कच्चा छट्टा निकाल के डिफरेंट सिनेरियोज आपको बताऊंगा। सो इंडिया जानबूझ के ये मैच हार ही नहीं सकता। कौन सी टीम चाहेगी कि अपने आप को जो है वो मौसम के सर के ऊपर रखे। देखिए एक मैच अगर वो मतलब चले, एक मैच जीत गए वो और जिम्बाब्वे वाला मैच बारिश की नजर हो गया तो क्या होगा। हम तो चले बाहर निकल गए हैं, लेकिन वो भी तो बाहर निकल सकते हैं ना, ठीक है। और इवन मतलब साउथ अफ्रीका ने 5 पॉइंट ले लिए, ठीक है वो टॉप ऑफ द टेबल चले गए, लेकिन अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा देता है और आखिरी मैच जो नीदरलैंड के खिलाफ है वो अगर बारिश की नजर हो जाता है, तो सर फिर क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई, ये दुनिया ही क्रिकेट है, ये T20 वर्ल्ड कप है, और ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। मौसम बीच में आ सकता है, किसी का मैच उड़ सकता है, किसी के 3 में से जो है ना वो किसी को 2 में से 1 पॉइंट मिल सकता है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज मुमकिन है। सो कोई टीम ये नहीं चाहेगी कि अपने आप को हालात के सामने डाल दे। हां गलतियां होती हैं, भारत ने गलती की टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि क्रेडिट गोज टू सूर्य कुमार यादव जिसने जबरदस्त इनिंग्स खेली। उसके साथ कोई एक आधा और शामिल हो जाता और इंडिया अगर 150 स्कोर कर जाता ना, मैंने शुरू में ये कहा था, मैंने कहा यार इंडिया को 150 किसी ना किसी तरह करना चाहिए। सूर्य कुमार यादव का वहां पे आउट होना बहुत बड़ा झटका था इंडिया के लिए। 150 इंडिया अगर कर जाता, 140 प्लस भी कर जाता, तो ये मैच बहुत मुश्किल हो जाता साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन मैं ये देखिए, मैं इंडियन बॉलर्स को भी क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद अर्शदीप सिंह, फिर मोहम्मद शामी, यार सारे अनप्लेएबल लग रहे थे। हालांकि बॉलिंग इंडिया की उतनी तगड़ी नहीं है एज कंपेयर टू द साउथ अफ्रीकन बॉलिंग। उनके पास एनगीडी है, उनके पास एनरिस नोकिया है, उनके पास रबादा है, मतलब इतने फास्ट बॉलर्स, फिर जो है वॉइन पारनेल है, तो इतने जबरदस्त फास्ट बॉलर जो रियल फास्ट बॉलर्स हैं और बाउंस का यूज करते हैं। इन पिचेस पर उनको बॉल करने की आदत है। ये जो पिचेस जो है वो जोहानसबर्ग वाली पिच हो गई, जो दूसरी एक दो पिचेस है वहां पर साउथ अफ्रीका में, वो सारी इसी तरह की पिचेस है ना जी, वो इसी तरह की पिचेस है कि जिसके ऊपर बाउंस मिलता है और बाजू का टेनिस बॉल टाइप बाउंस मिलता है। सो इस तरह की कंडीशंस का मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया, लेकिन सीम और स्विंग का, स्किल का जो इस्तेमाल किया है इंडियन बॉलर्स ने इन द स्टार्ट ऑफ द गेम, मैं कहता हूं कि वो कमाल था। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, विराट कोहली का आज दिन नहीं था, विराट कोहली आज बैटिंग में भी नहीं चल सके, और उसके बाद जो उन्होंने मार्करम का कैच ड्रॉप किया, बेसिकली वो पाकिस्तान का सेमीफाइनल उनके हाथों से गिर गया और सेमीफाइनल ड्रॉप हो गया। इसके अलावा जो उन्होंने फील्डिंग की है, आई वुड से कि बिल्कुल आपके हाथ में बॉलें थी,
जब इस तरह की फील्डिंग एफर्ट हो और आपको इतने बड़े बड़े मौके मिले रन आउट करने के और आप रन आउट ना कर सके, इतने बड़े प्लेयर का जब आप कैच छोड़ दें और कैच भी हाथों में से लॉलीपॉप कैच, तो और वो भी कोहली जैसा फील्डर जो दुनिया का टॉप तरीन फील्डर कहलाता है, तो फिर कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसे उल्टी सीधी बातें आती हैं। लेकिन बट देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब हमारे इख्तियार में चीज थी, हमने वो कौन सा बहुत अच्छी कर ली। हम इंडिया को हरा सकते थे ना, नहीं हराया, क्यों नहीं हराया? ठीक है, हम जिम्बाब्वे को हरा सकते थे, नहीं हराया, क्यों नहीं हराया? बाबर आजम तीसरे नंबर पर क्यों नहीं खेल सकता? क्या इंडिया ने मना किया हुआ है? बाबर आजम अच्छी टीम क्यों नहीं लेके आया? क्या इंडिया ने हमें कहा था? मुझे एक दोस्त ने कहा, ये किसकी टीम है? ये पाकिस्तान की टीम है। मैंने कहा, नहीं, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये बाबर आजम की टीम है। पाकिस्तान की टीम होती तो जो जिन लोगों की पाकिस्तान की टीम को जरूरत थी वो पाकिस्तान की टीम के अंदर होते, वो नहीं है। तो जब हम अपना काम नहीं कर सके तो हम दूसरों से तवक्कुआत लगाए बैठे कि वो आपकी वजह से इतनी ही इंटेंसिटी के साथ खेले जितने आप खेलते। आप खुद तो उतनी इंटेंसिटी से खेल नहीं सके। आपका जो बॉलर है मोहम्मद नवाज, वो 16 रन नहीं बचा सका। आज जो है वो आप देखिए, वो जो लड़का है उनका मुसद्दक, वो प्रॉपर बॉलर भी नहीं है। ठीक है, वो बांग्लादेश का वो आखिरी ओवर बचा गया, अपनी टीम को 3 रन से जितवा गया। आपका नवाज नहीं जितवा सका। आपका नवाज आखिरी 3 गेंदों पे 3 रन नहीं लेके दे सका आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो यार सर पीटो, अब फिर क्या करें? हम कहें कि जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। उठा ले बंदा जूता और इन सबकी तबीयत रवा करे, इनकी तबीयत साफ करे कि खुदा का खौफ करो, तुम अपने मैचेस तो जीतते पूरी तरह। आज अगर जिम्बाब्वे का मैच पाकिस्तान ने जीता हुआ होता ना, जिम्बाब्वे वाला मैच, पाकिस्तान इस वक्त 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे होता, इंडिया से बेहतर रन रेट पे बैठा होता, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इंडिया इस वक्त बड़ी टफ सिचुएशन में होता, इंडिया टफ सिचुएशन में होता कि पाकिस्तान जो है वो अगले जो 2 मैचेस हैं उनमें से 2 मैचेस में से दोनों मैचेस जीत जाता, पाकिस्तान भी पहुंच सकता था आसानी से फाइनल में। तो भाइयों, ये चीजें हमारे इख्तियार में थी, हमने वो तो की नहीं। अब हम दूसरों को ताने देंगे जी उसने ये किया वो किया। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह की कप्तानी इस वक्त रोहित शर्मा कर रहा है ना, इवन इफ यू आर एन इंडियन क्रिकेट फैन, देखिए मुझे वो बड़े मैच का मटेरियल नहीं लग रहा एज अ कैप्टन। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, मुमकिन है आपकी, ऑब्वियसली आसान है आपके लिए कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए, लेकिन सेमीफाइनल से आगे जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लिख लीजिए, इस कप्तानी में ना हमारी टीम कुछ कर सकती है, मतलब मुझे बाबर आजम जैसा ही कप्तान लग रहा है ये रोहित शर्मा भी। इसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं, ये इसको भी नजर नहीं आ रहा होता सही तरीके से। ये वही सारी चीजें रोहित शर्मा में पाई जा रही हैं, और खुद उसकी बैटिंग पे भी सवालात हैं कि वो भी अंडर क्वेश्चन है। आपको पता है कि बहुत ज्यादा उसकी बैटिंग फॉर्म में नहीं है। सो इसलिए मैं ये समझता हूं कि किसी ने पहले आना है जी, किसी ने बाद में जाना है। कुदरत का निजाम है, सुबह होती है शाम होती है, एक ने जीतना है एक ने हारना है, वो तो हो गया अब हमारे साथ। अगली वीडियो में हम बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैन पाकिस्तान स्टिल क्वालिफाई फॉर द T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। बहुत सारे हमने हैच पैच करने हैं कि उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, इसमें बारिश हो जाए, उसमें खारिश हो जाए। ये सब कुछ करने के बाद हमने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से उस वक्त तक बाहर नहीं करना जब तक पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से मैच नहीं हारता, जिसके बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर है आपकी इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।